We are live now. A very good afternoon to all our participants and member of this teacher educate. क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे लगता है कि आप मेरी आवाज आ रही होगी। आज हमारे इस पंडित मदन मोहन मालवीय व्याख्यान सह वेबिनार में आपका स्वागत है। आप सभी पार्टिसिपेंट्स वीकेंड पर हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में जुड़ते हैं, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हमारे बीच शिक्षा क्षेत्र के जो मूर्धन्य विद्वान हैं वो आते हैं और हमारे इस फोरम से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी किसी न किसी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, आपको लाभ मिलता है। और ये कार्यक्रम, ये श्रृंखला इसी परिप्रेक्ष्य में शुरू की गई है कि आपकी शिक्षक शिक्षा से जुड़े, शिक्षा से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनकी समझ बने। आज हमारे बीच आदरणीय मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी सर हैं, आप सभी ने इनका नाम सुना है और आपने सर को देखा भी होगा कार्यक्रमों में, अगर आप ऑनलाइन कार्यक्रमों में जुड़े हो रहते हैं। और आपके पाठ्यक्रम में एनसीटी के बारे में पढ़ाया जाता है कि एनसीटी क्या है और एनसीटी की क्या भूमिका है। एनसीटी के बारे में समझने के लिए, एनसीटी का भविष्य क्या होगा, अख्तर सिद्दीकी सर से बेहतर कोई व्यक्ति हमें शिक्षा के क्षेत्र में नहीं समझ में आया। और हमने सर को इनवाइट किया और सर ने सहर्ष हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया और आपको गाइड करने के लिए सर हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि एनसीटी के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ एनसीटी का भविष्य क्या होगा जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उस संदर्भ में। सर, इस टीचर एजुकेटर्स फोरम पर मैं व्यक्तिगत रूप से और अपने सारे विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। मैं सर का एक संक्षिप्त परिचय अपने उन सारे नए विद्यार्थियों के लिए देना चाहूंगा जिन्होंने हाल ही में अभी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, या तो बीएड के रूप में, या एमएड के रूप में, या पीएचडी एजुकेशन के रूप में, जो शिक्षा क्षेत्र में अभी नए जुड़े हैं। प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी कंप्लीटेड हिज एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स यूनाइटेड किंगडम एंड एचपी यूनिवर्सिटी। ही टॉट एट फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली and other institutions for more than 40 years at undergraduate, undergraduate level, postgraduate level and PhD levels, and guided research work of 30 PhD and postdoctoral scholars. As chairperson of the NCT, Government of India, the apex statutory authority for teacher education, during year 2008-11, he took many policy initiatives to reform the teacher education system in the country. The National Curriculum Framework for Teacher Education 2009, NCFTE 2009, was developed and brought out under his leadership. On his initiative, TETU, well known teacher eligibility test, was introduced as an essential component of teacher qualification. In year 2010, he was chairman of the High Power Committee of the MHRD on reforms in NCT and teacher education in year 2015-16, whose recommendations have been incorporated in the NEP 2020. He has published several research papers and books and has undertaken many research projects funded by इंटरनेशनल एंड नेशनल एजेंसीज। सर, मैं आपका इस ऑनलाइन वर्चुअल मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं।
और हमारे साथ आज के इस सत्र की सह संयोजक को कन्वीनर डॉक्टर प्रेरणा मनध्यान जी हैं, जो कि डीएस पीजी कॉलेज कटिहार जो कि बिहार में है, वहाँ के शिक्षक शिक्षा विभाग में आप सहायक आचार्य हैं। आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी रहेंगी, आपका भी स्वागत है। विलंब न करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी सर को आज के व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूँ। सर कृपया अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर सोमो सिंह साहब, पहले तो ये बताइए कि ये व्याख्यान हिंदी में होगा कि अंग्रेजी में होगा, आपके लिए किस? सर आप इसमें अधिकांश हमारे विद्यार्थी दोनों तरह के सर हैं, मिक्स हैं, 50-50 भी हो सकता है, या अधिकांश हिंदी रहे कुछ अंग्रेजी रहे, 60-40 का रेशियो। जी सर, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर सर महत्वपूर्ण बातें हिंदी में भी होती रहेंगी तो ठीक है सर, बाकी आप अंग्रेजी में। ठीक है, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद पेश करता हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका दिया, और अपने साथियों से जो पूरे देश में फैले हुए हैं, हमारे कलीग्स जो टीचर एजुकेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन करने का मौका आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इस तरह से मुझे इंट्रोड्यूस किया, अगर आप सिर्फ ये कह देते कि मैं एक टीचर एजुकेटर रहा हूँ, टीचर रहा हूँ, तो भी बहुत काफ़ी था, चूँकि बेसिकली तो हम टीचर ही हैं, इधर उधर जाते रहे, एनसीटी में चले गए, कहीं और चले गए, लेकिन बुनियादी तौर पर हम एक टीचर हैं और उसी में हमको गर्व महसूस होता है, उसी में हम प्राइड महसूस करते हैं टीचर होने की। जी, इस इंट्रोडक्शन में एक चीज़ नहीं है जो मैं आप में शामिल कर दूं कि मेरा अपना जो करियर है वो स्टार्ट ही स्कूल टीचिंग से हुआ है, और मैंने पहले स्कूल में पढ़ाया है, हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हमारे ज़माने में हायर सेकेंडरी स्कूल होता था, और 2.5 साल वहाँ पढ़ाने के बाद फिर मैं टीचर एजुकेशन में आया। तो स्कूल का ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद फिर टीचर एजुकेटर बना था, और तब से उसके बाद फिर टीचर एजुकेशन में ही रहा, और मुझे उस 2.5 साल का जो अनुभव हुआ मुझे उसमें बहुत आनंद आया, और वो आज तक मुझे वो चीज़ें याद हैं और वो तजुर्बे वो अनुभव याद हैं, और मैं मुझे बहुत आनंद आता है उन सालों को याद करके, जब मैं याद करता हूँ अपने छात्रों के साथ जो भी मैंने वक्त गुजारा। अच्छा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए टॉपिक की तरफ आता हूँ, और हमारा जो आपका टॉपिक आज का टॉपिक है वो ये है दैट द रोल ऑफ एनसीटी इन द लाइट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और लगभग हमारे पास 50-55 मिनट का समय है बताया गया, 6 बजे तक हमको इसको ख़त्म करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात को इस समय में पूरा कर पाऊँगा, और होपफुली फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, अगर ज़रूरत होगी तो लास्ट में कुछ प्रश्न भी लिए जाएंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, व्हाट इज़ एनसीटीई, then you will have to go a little bit in the history of NCTE. अगर हम आज के संदर्भ में नई एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखना चाहते हैं कि NCTE का रोल क्या तय किया गया है और क्या होगा जब से पॉलिसी लागू होगी, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको NCTE की पास्ट में, उसकी हिस्ट्री में, उसके इतिहास में थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि एनसीटी कब और क्यों बनाई गई। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा और वहां से फिर हम अपनी बात शुरू करेंगे। ये बात हम सब जानते हैं कि द टीचर एजुकेशन इन द कंट्री
is responsible to prepare and develop teachers of satisfactory quality for our schools. The new education policy also says about that. Quality of teacher education has been a continuing concern of the education planners and administrators, as also of committees and commissions appointed for reforms in education at different points in time, at the school level and at higher education level. So ye hamari tamam committeeon ka, commissionon ka, experts ka ye concern raha hai hamesha ke quality of education school ke level par bhi aur higher education ke level bhi satisfactory honi chahiye, aur iske liye unhone beshumar recommendation diye hain. Aur uske liye ye manna hai ke quality of education mein sabse bada role टीचर का होता है, क्वालिटी ऑफ टीचर का होता है, और टीचर की क्वालिटी निर्धारित होती है टीचर एजुकेशन की क्वालिटी से. ये बात यहाँ हम स्पष्ट कर दें. टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारने के लिए समय समय पर सरकारें कोशिश करती रही हैं. आपको मालूम है कि सबसे पहले टीचर एनसीटी को, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को, अभी जो स्टैट्यूटरी रूप है उसका, उसमें नहीं स्थापित किया गया था. द फर्स्ट नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973 एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. नॉन स्टैट्यूटरी मीन्स दैट इट वॉज नॉट क्रिएटेड बाय एनी स्टैट्यूट ऑफ द पार्लियामेंट. इट वॉज अपॉइंटेड एज ए कमेटी इन द एनसीईआरटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So its location was in NCRT. It was a council, but it was not having statutory powers like it has today. And the purpose of creating this NCT, which is non-statutory NCT, was to enhance standards of teacher education in the country. So focus, iska jo tha, iska jo mukhya uddesh tha, ve tha ke Bharat mein teacher education ke स्तर को ऊंचा उठाया जाए. अब उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं, वो इसके जिम्मे था, इस नॉन स्टैट्यूटरी एनसीटी के जिम्मे था. ये नॉन स्टैट्यूटरी एनसीटी टुक सर्टेन इनिशिएटिव. इन्होंने कुछ कदम उठाए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन सुधारने के लिए. उदाहरण के लिए पहला कदम उन्होंने उठाया कि एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया टीचर एजुकेशन का. सो इन 1975-78 फर्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वॉज प्रिपेयर्ड बाय दिस नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी व्हिच इज नॉट स्टैट्यूटरी, और जिसकी बड़ी सराहना की गई पूरे देश में, इसलिए कि इस प्रकार का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन पहली बार आया था 1978 के अंदर. फिर इन्होंने ये भी किया कि इन्होंने बहुत से डिफरेंट टीचर एजुकेशन कोर्सेज के नॉर्म्स तैयार किए, है ना, जो उनको चलाने के लिए, चाहे वो बेसिक टीचर ट्रेनिंग उस जमाने में चलती थी, चाहे बीएड का कोर्स चलता था उस जमाने के लिए, उसके लिए कुछ उन्होंने नॉर्म्स तैयार किए. ये बहुत बड़ा उन्होंने एक काम किया, और बिकॉज ये नॉन स्टैट्यूटरी थी इसलिए उन्होंने सारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, सारी संस्थाओं को ये सुझाव दिया कि भाई आप इन नॉर्म्स के अनुसार अपने कोर्सेज को चलाएं. ऑल्सो कमिटीज वर अपॉइंटेड फॉर फॉर्मुलेटिंग द करिकुलम फॉर डिफरेंट टीचर एजुकेशन कोर्सेज. ठीक है, ये काम भी उन्होंने आरंभ कर दिया था. तो नई जो ये जो एनसीटी पहली बनी 1973 के अंदर, इन्होंने ये कोशिश की कि एक सुधार करें टीचर एजुकेशन के अंदर, इसका स्टैंडर्ड इंप्रूव करें. एंड फॉर दैट इन्होंने नॉर्म्स भी बनाए, इन्होंने फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम बनाया कि ताकि ये मिनिमम पढ़ाया जा सके टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. लेकिन एक बीच में डेवलपमेंट हुआ 80 के दशक के अंदर, के दो बड़ी यूनिवर्सिटियों ने, एमडी यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा ने और अनमलाई यूनिवर्सिटी कर्नाटक तमिलनाडु ने, बहुत बड़े पैमाने पर 30,000-35,000 बच्चों को कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए बीएड की डिग्री देने शुरू कर दी. अब ये बहुत बड़ा एक चेंज था भारत में कि 60,000-70,000 लोगों को एक साथ एक साल में बीएड की डिग्री कॉरेस्पॉन्डेंस से दी जाए.
एनसीटी ने उस समय पर बहुत आपत्ति जताई इसके लिए, और उसके लिए बड़ा लिखा भी इन्होंने, बहुत कोशिश भी की कि इनको रोके इस काम से, लेकिन एनसीटी के पास कोई भी लीगल पावर नहीं थी। टेक्निकली वो उनको ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते थे, जैसे आज एनसीटी के पास पावर्स है, उस समय पर एनसीटी के पास कोई पावर नहीं थी किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को करस्पॉन्डेंस कोर्स को इतने बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर चलाने के लिए। ये दिस वॉज अ काइंड ऑफ यू कैन से रिकमेंडेटरी बॉडी, उन्होंने रिकमेंड किया लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। और एक्सपर्ट्स ने भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा कि इसको ऐसा, दो सरकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए कि क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन दीज टू इंस्टीट्यूशंस वाज बीइंग कंप्रोमाइज्ड इन अ वेरी लार्ज स्केल। सब स्टैंडर्ड टीचर्स वर कमिंग आउट ऑफ दीज कोर्सेज इन लार्ज नंबर एंड दे वर ज्वाइनिंग स्कूल्स, देयरफॉर स्कूल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स वर एडवर्सली अफेक्ट। सो people wrote about it, people worked against it, and finally what happened that the government of India in the 1986 education policy made a commitment that the National Council for Teacher Education, which is located in NCERT, will be given statutory status, but it could not be given in 1986. Then again in the 1992 revised national education policy, the government of India made this commitment, renewed this commitment that NCT will be given a statutory status. And finally in 1993, by an act of parliament, NCT was given a statutory status. Now it had powers to implement its norms and standards, its rules and regulations, for starting a program, for running a teacher education program, for opening a teacher education college, etc. This NCT, which was created in 1993 as a statutory body, started working from 1995. Okay. Now, in this act of 1993, NCT was given certain, authorized for certain functions. Okay. It was entrusted with some responsibilities. For example, the first function of the NCT was to ensure planned and coordinated development of teacher education system and to maintain its health by laying down and enforcing norms and standards for teacher education programs. So inka kaam ye tha ke planned development hone de pure Bharat mein teacher education ka, unplanned nahi. Us planning ke liye इनको मालूम होना चाहिए कि किस स्टेट के अंदर कितने टीचर्स की आवश्यकता है, ट्रेन टीचर्स की, कितने टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहिए होंगे, कितने टीचर एजुकेटर्स चाहिए होंगे, उसके अनुसार फिर ये टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मान्यता देंगे। इनका फंक्शन ये भी था टू ले डाउन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कोर्सेज और फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एंड एट डिफरेंट लेवल्स, lay down standards in respect of examinations leading to teacher education qualification. Likewise, evolve suitable performance appraisal systems, norms and mechanism for enforcing accountability on recognized institutions. So institutions ki accountability ko tay karne ke liye norms and standards performance ke lay karenge aur unko unki performance ko ye judge bhi karenge. Aur teacher education mein commercialization ko roken, ye bhi inka ek function. NCT ने काम करना शुरू किया 1995 से और तमाम अपने नॉर्म्स वगैरह तैयार किए, गाइडलाइंस तैयार की, रेगुलेशन तैयार किए, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग एंड ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अब इसका सफ़र जो 1995 से शुरू हुआ, जिसमें कि अब कोई भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भारत में बिना मान्यता प्राप्त किए हुए एनसीटी के काम नहीं कर सकता था, इस सफर के बाद ऐसा लगता है कि एनसीटी ने बड़े पैमाने पर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्निशन देना शुरू कर दिया। क्यों देना शुरू कर दिया? क्योंकि ये संस्थाएं एनसीटी के दिए हुए नॉर्म्स को सेटिस्फाई कर रही थी। सो उसका कारण ये, उसका नतीजा ये निकला, एनसीटी ने क्या किया,
एनसीटी ने ये नहीं देखा किस राज्य में कितने टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, बल्कि जिसने भी नॉर्म्स को सेटिस्फाई कर दिया, बिल्डिंग के नॉर्म्स, टीचर्स के नॉर्म्स, क्वालिफिकेशन के नॉर्म्स, उन्होंने उनको मान्यता दे दी। इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला दैट टीचर एजुकेशन डेवलप्ड इन द कंट्री इन एन अनप्लान्ड एंड अनबैलेंस्ड मैनर एंड कमर्शलाइजेशन इन टीचर एजुकेशन इंक्रीज्ड। व्हेन वी से अनप्लान्ड मैनर मींस दैट वी allowed them to develop in as many numbers as they wanted, as the teacher education organizers, teacher education institutions wanted. Uska natija kya nikla? Kuch states mein itne teacher education institutions ban gaye ki wahan unki utni zarurat nahi thi. Kuch states mein malum hua ki teacher education institutions ki kami rahi, jaise Bihar ke andar, jaise West Bengal ke andar, northeastern states ke andar, और इसके बरक्स तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा में, पंजाब में बहुत टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खुलते चले गए। तो अनप्लान्ड अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट हुआ टीचर एजुकेशन का। उसका नतीजा क्या निकला? रिजल्ट वाज दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचर एजुकेशन वाज सीरियसली कंप्रोमाइज्ड बाय दीज फ्लाई बाय नाइट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। And these institutions were mostly set up in private sector. आज भी हालत ये है कि 92% के करीब, 90% उससे अबव टीचर एजुकेशन institutions कंट्री में प्राइवेट सेक्टर में है। Now this deterioration in the quality of teacher education in the country, despite the presence of NCT, was considered the contribution of NCT itself. NCT was considered to be responsible for this deterioration in the quality, whereas it was created for improving the quality of teacher education. Now, the criticism of the NCT increased so much that in the year 2007, the government of India appointed a committee called Sudeep Banerjee Committee to suggest what is to be done with the NCTE. Sudeep Banerjee Committee, in its recommendations, in its report, recommended that the NCT has lost its purpose and therefore the NCT Act should be repealed and NCT should be closed down. But fortunately, in the year 2008, and this recommendation of the Sudeep Banerjee Committee was passed by the Cabinet Committee of Parliament also. It was about to be closed down. In 2008, then the government of India withdrew that proposal of closing down the NCT and repealing of the NCT Act because it realized that several reforms were initiated by the NCT in the year 2008 and onwards, and it felt that now NCTE has started improving its performance and therefore it did not close down the NCT, did not repeal the NCT Act. Now, let us come to, again, the regulation of the higher education system. Now, this was the background of the NCT, and this background existed till the appointment of the committee which recommended the national education policy for the country in 2020, which was approved by the government of India. Now the status of the NCT has changed in the national education policy 2020. Till now, since the implementation of the policy has not started fully, till now the NCT is still carrying out its previous function of granting recognition to teacher education institution, though new recognitions are not being granted, but the recognition of the institution remains valid. And NCT is monitoring, NCT is appraising their performance, and only recognized teacher education institutions only can offer different teacher education programs. Now, in the National Education Policy 2020, the role of NCT has changed. But let me tell you that this is not the case of the NCT only. ये महसूस किया गया कि
ये सिर्फ प्रोफेशनल एजुकेशन टीचर एजुकेशन के फील्ड में ही प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, ये और दूसरे फील्ड्स में भी आ रही है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में AICT जिसको के कंट्रोल करती है, या और बहुत सारे हमारे यहाँ लगभग 20-22 डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोफेशनल एजुकेशन को रेगुलेट करते हैं, उन सब के लिए ये प्रॉब्लम है। और ऐसा लगता है कि भारत सरकार का कहना था कि प्रोफेशनल एजुकेशन को, टेक्निकल एजुकेशन को और हायर एजुकेशन को ओवर रेगुलेट किया जा रहा है। चुनांचे नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक बिल्कुल नया हायर एजुकेशन को पूरा रेगुलेट करने का, मैनेज करने का, गवर्न करने का एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। तो NCT का जो रोल है उसमें चेंज हो गया है, इसी तरीके से ICT का बदल जाएगा, इसी तरीके से और भी जो जितनी भी काउंसिल्स हैं ऐसी ही, उन सब का रोल चेंज हो रहा है इस नई एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद। तो मेरा कहना यह है कि जो पैरामीटर्स नई एजुकेशन पॉलिसी में जो बातें सामने रखी गई हैं उसमें ये कहा गया है कि रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन अर्लियर वॉज टू हैवी हैंडेड, है ना, टू हैवी हैंडेड, बहुत सख्ती से रेगुलेशन होता था, बस रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर ध्यान दिया जाता था। उस हैवी हैंडेडनेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन को चेंज करने की ज़रूरत है, फोकस हमारा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के ऊपर होना चाहिए। दी emphasis earlier was on mechanical and disempowering regulatory system. यानी उसमें ऐसा लगता था कि बस mechanistic हम regulation कर रहे हैं, जिसमें ऐसा लगता था कि higher education institutions को बहुत ज़्यादा powers नहीं हैं, बहुत ज़्यादा freedom नहीं है, बहुत ज़्यादा independence नहीं है, और कुछ powers का concentration regulatory authorities के पास ज़्यादा। इसलिए ये तय किया गया कि पूरे रेगुलेटरी सिस्टम को कंट्री के अंदर ओवरहॉल करना चाहिए। वास्तव में ये बात पहले भी कुछ कमेटियों ने कही है, फॉर एग्जांपल नेशनल नॉलेज कमीशन ने, यशपाल कमेटी ने और कमेटियों ने ये बात कही है कि ये जो ओवर रेगुलेशन की बात है इसको हमको चेक करना चाहिए और इसको कोई एक सेंट्रल बॉडी बनानी चाहिए जो कि कोऑर्डिनेट करे एक्टिविटीज़ को डिफरेंट काउंसिल्स की, और उससे फिर शायद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन इम्प्रूव हो जाए। इन्हीं बातों को देखते हुए नई एजुकेशन पॉलिसी में टीचर एजुकेशन को भी काउंसिल को भी रिव्यू किया गया और इसको भी एक नए एक नए स्ट्रक्चर का भाग बनाया गया। ये बात मैं नई एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से बता रहा हूँ। इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिस इज मेंशन that teacher education is vital in creating a pool of school teachers that will shape the next generation. True, the policy says that. Okay, and the policy also refers to Justice Verma Commission report 2012, which says that a majority of standalone teacher education institutions are not even attempting serious teacher education, but are essentially selling degrees for a price. ये बात जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट में लिखी हुई है जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कॉपी किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। एंड द सेक्टर ऑफ टीचर एजुकेशन एंड इट्स रेगुलेटरी सिस्टम आर इन अर्जेंट नीड ऑफ रिवाइटलाइजेशन थ्रू रेडिकल एक्शन इन ऑर्डर टू रेज स्टैंडर्ड्स एंड रेस्टोर इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, एफिकेसी एंड हाई क्वालिटी टू द टीचर एजुकेशन सिस्टम। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा कि इसको हम रिविजिट कर रहे हैं, और इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन विल इंश्योर दैट द डिस्टिंक्ट फंक्शंस ऑफ रेगुलेशन, अक्रेडिटेशन, फंडिंग एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग विल बी परफॉर्म बाय डिस्टिंक्ट, इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड बॉडीज। दिस हैज बीन रिजॉल्व्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। This is considered essential to create checks and balances in the system, minimize conflict of interest among various bodies, and eliminate concentration of power in one single body like NCT or AICT, etc. To ensure that four institutional structures carrying out these four essential functions
work independently yet at the same time work in synergy towards common goals. तो अब नई पॉलिसी के अंदर चार संस्थाएं होंगी जो कि एक बड़ी अम्ब्रेला बॉडी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करेंगी और वो मिलकर फिर पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को जिसमें टीचर एजुकेशन भी आएगा उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगी। ये चार बॉडीज कौन सी हैं ये आपको मैं बता दूं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि एनसीटी कहीं इन्हीं में से कहीं लोकेटेड होगा। तो सबसे पहले जो बॉडी होगी वो कहलाएगी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। NHERC विल बी सेट अप टू रेगुलेट इन लाइट बट टाइट एंड फैसिलिटेटिव मैनर। ये काम होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल का कि सारी हायर एजुकेशन को जिसमें टीचर एजुकेशन भी सम्मिलित होगा उसको रेगुलेट करेगी, लेकिन बहुत हैवी हैंड के साथ नहीं, लाइट मैनर में लेकिन टाइट में स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन की पाबंदी कराई जाएगी। और ये कैसे रेगुलेट करेगा इसका मैकेनिज्म चेंज कर दिया गया है, पहले सारा काम एनसीटी करता था, अब ये NHERC रेगुलेट करेगी। लेकिन ये रेगुलेशन किस तरह से होगा, ये एक्रेडिटेशन के आधार पर होगा। कोई भी संस्था जो टीचर एजुकेशन की या दूसरी हायर एजुकेशन की मान्यता लेना चाहती है उसको पहले एक्रेडिटेशन हासिल करना पड़ेगा। तो पहला संस्था होगी NHERC, दूसरी संस्था होगी जो कि एक्रेडिटेशन देगी। सो द सेकंड वर्टिकल अंडर द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी मेटा एक्रेडिटिंग बॉडी कॉल्ड नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये NAC से अलग होगा, NAC का तो बड़ा लिमिटेड स्कोप है, ये नेशनल लेवल पर एक्रेडिटेशन काउंसिल होगी सारे हायर एजुकेशन के लिए, उसमें टीचर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन वगैरह शामिल होंगे। इसमें मेडिकल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और ये जब किसी संस्था को एक्रेडिट करेंगे तब फिर NHERC उसको मान्यता देगी। इन दोनों का फंक्शन इंटर रिलेटेड होगा। तीसरी जो संस्था होगी अंडर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट विल बी हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, जैसे इस समय UGC है। अब UGC भी इसी के अंदर शामिल हो जाएगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में। और इस तीसरी संस्था का काम होगा हायर एजुकेशन को संस्थाओं को ग्रांट देना। जाहिर है कि ये ग्रांट सरकारी संस्थाओं को या सेमी सरकारी संस्थाओं को दी जाएगी, उसके लिए ये हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल अपने बहुत से पैरामीटर्स तय करेगी, उसके आधार पर ग्रांट्स दी जाएगी। चौथा जो संस्था होगी हायर एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत दैट विल बी कॉल्ड जनरल एजुकेशन काउंसिल। नाउ द रोल ऑफ द जनरल एजुकेशन काउंसिल विल बी टू फ्रेम एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स फॉर हायर एजुकेशन प्रोग्राम। हर प्रकार के हायर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए लर्निंग आउटकम्स तैयार करना, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स तैयार करना, BEd के लिए क्या होगा, MEd के लिए क्या होगा, BA के लिए लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, BTech के लिए क्या होंगे, हर एक के लिए लर्निंग आउटकम्स तैयार करना, ये इस जनरल काउंसिल एजुकेशन काउंसिल का काम होगा। ये चौथी संस्था होगी हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर में। समझ में आ गई यहां तक बात। दी प्रोफेशनल काउंसिल्स, प्रोफेशनल एजुकेशन काउंसिल्स लाइक NCT, AICT एटसेट्रा नाउ विल एक्ट एज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज। NCT का रोल अब क्या रह जाएगा, NCT विल बिकम अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। सो व्हाट विल हैपन, the role of NCT will change. For changing the role of NCT, what will happen? First of all, the present NCT Act will have to be repealed. जो अभी NCT का एक्ट है पार्लियामेंट से पास हुआ हुआ उसको पार्लियामेंट से ही रद्द कराना पड़ेगा और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी में तब्दील करना होगा। सो ये बड़ा काम होगा NCT का, ये बड़ा रोल होगा कि अब वो तमाम टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए, तमाम लेवल के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए
प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स तय करेंगे, इस पर मैं आगे बात करूंगा. एंड ऑल दीज काउंसिल्स लाइक द एनसीटी एटसेट्रा विल प्ले अ की रोल इन द हायर एजुकेशन सिस्टम एंड विल बी इनवाइटेड टू बी मेंबर्स ऑफ जनरल एजुकेशन काउंसिल. तो जितनी भी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज होंगी लाइक एनसीटी एटसेट्रा, दे विल ऑल बी मेंबर्स ऑफ द जनरल एजुकेशन काउंसिल. जनरल एजुकेशन काउंसिल चौथी संस्था है नेशनल हायर कमीशन के अंतर्गत. तो नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ी अम्ब्रेला बॉडी है, उसमें चार वर्टिकल्स हैं, चार ग्रुप्स हैं, चार संस्थाएं हैं. उसमें से एक संस्था है जनरल एजुकेशन काउंसिल, उस संस्था के सारे की सारी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज मेंबर होंगी, एनसीटी भी उसकी एक मेंबर होगी. अब इनका जाहिर है जो रिस्ट्रक्चरिंग जब होगा एनसीटी का, इसका नया रोल सामने जो आएगा वो क्या होगा, अब ये रोल समझने की जरूरत है हमको यहां पर. द आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग एज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी एनसीटी विल ड्रॉ द करिकुलम, करिकुलम ऑफ से बीएड, करिकुलम ऑफ एमएड एंड करिकुलम ऑफ अदर प्रोग्राम्स टू बी रन इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन. एनसीटी विल ले डाउन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स फॉर दीज प्रोग्राम्स and coordinate. Now this is the second function, second role of the NCT. First is to draw curricula, and the second one is to lay down academic standards, okay, for different programs, for different levels of teachers, teacher educators. And the third role will be to coordinate between teaching, research and extension activities in their domain, in their discipline, as members of general एजुकेशन काउंसिल. जनरल एजुकेशन काउंसिल के मेंबर की हैसियत से तीसरा काम ये होगा कि कोऑर्डिनेट करें अपने क्षेत्र में, टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में, टीचिंग को, रिसर्च को और एक्सटेंशन वर्क को जो भी इनके फील्ड में हो रहा है, और उससे क्वालिटी ऑफ टोटल क्वालिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन इम्प्रूव करने की कोशिश करें, टीचर एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की. तो ये तो तीन मेजर इसके रोल होंगे एनसीटी के आफ्टर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनसीटी कंप्लीट्स. होपफुली बाय 2022 द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनसीटी विल बी कंप्लीटेड एंड एनसीटी विल स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑल दीज न्यू रोल्स. नाउ एज मेंबर ऑफ द जनरल एजुकेशन काउंसिल द एनसीटी विल हेल्प in specifying the curriculum framework within which the higher education institution will prepare their higher education institutions will prepare their own curricula. आपको एक बात मालूम होगी, नई एजुकेशन पॉलिसी में एक बात ये कही गई है जिसके बारे में बहुत पहले से डिमांड थी, रिकमेंडेशंस थे, कि सारी टीचर एजुकेशन अब हायर एजुकेशन का भाग होगी. सारी टीचर एजुकेशन, अभी तो कुछ टीचर एजुकेशन हायर एजुकेशन में है, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की जो ट्रेनिंग है, जो एजुकेशन है, वो तो हायर एजुकेशन में आती है, यानी बीएड प्रोग्राम, एमएड प्रोग्राम वहाँ आते हैं. लेकिन प्राइमरी स्कूल की, एलिमेंट्री स्कूल की टीचर ट्रेनिंग जो डाइट में दी जाती है वो हायर एजुकेशन का भाग नहीं, हायर एजुकेशन का पार्ट नहीं है. अब ये तय किया गया है कि सारी टीचर एजुकेशन हायर एजुकेशन में चली जाएगी, और फ्यूचर में होपफुली बाय 2030 जैसे पॉलिसी कहती है, हर लेवल के टीचर को, चाहे वो प्री प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहा हो, वो प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहा हो, मिडिल के लेवल पर या सेकेंडरी के लेवल पर पढ़ा रहा हो, सबके लिए मिनिमम टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, एक बीएड की डिग्री, जो तब तक जाते जाते 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री होगी, वो होना ज़रूरी है. तो अब 2 साल का डिप्लोमा वगैरह ये सब मिनिमम क्वालिफिकेशन में नहीं आएगा, वो भी बाद में ऑफर किया जाएगा, 1 साल का प्रोग्राम, 2 साल का प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन यही होगी, ग्रेजुएट डिग्री
of 4-year duration in teacher education for teaching at any level of school education. तो अब इन सारे लेवल्स के टीचर एजुकेशन के लिए करिकुलम तैयार करना ताकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कोर्स स्टार्ट कर सकें, उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर सकें, ये करिकुलम तैयार करने की जिम्मेदारी भी एनसीटीई की होगी टीचर एजुकेशन के अंदर। और दूसरी जो संस्थाएं इस तरीके की होंगी इंजीनियरिंग वगैरह के लिए, मैनेजमेंट वगैरह के लिए, वो अपने प्रोग्राम्स के लिए करिकुलम तैयार करेंगी। एंड ऑल टीचर एजुकेशन विल बी अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन करिकुला को जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जो भी रिकमेंड किया जाएगा एनसीटी के द्वारा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ऑफ कोर्स उसमें कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाएगी। देयरफॉर वी कैन से दैट द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग would be a very, very big change in not only in the role of the NCT, in the whole system of teacher education. Because abhi tak to hamare yahan standard setting ka koi aisa concept kisi particular course ke liye nahi tha. Ab wo standards kya hain? Standard setting is that we will be laying down the expectations in a particular field of learning and practice while having no regulatory role. Now teacher NCT ka role ab regulatory bilkul nahi rahega, ye kisi qisam ka koi regulatory role ada nahi karegi. Standard set karenge, expectations har course se kya hai, B8 ke pass out se hamara expectation kya hai, ye primary school mein padha raha hai jo vyakti, middle school mein jo padha raha hai jo teacher, jo secondary school mein jo padha raha hai teacher, उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन सी कॉम्पिटेंसीज उसके पास होनी चाहिए, वो ले डाउन की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड्स बाय द एनसीटी। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। नाउ आगे चल के हम बात करेंगे आपसे कि इन स्टैंडर्ड्स का हमको फायदा क्या होगा और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब ऑल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल डिसाइड हाउ the B.Ed program and other programs will respond to these standards laid down by the NCT in teacher education. कैसे उनको implement करेंगे, उसके norms and standards will lay down किए जाएंगे और उसके लिए क्या क्या initiative लेने पड़ेंगे वो higher education institution करेगा। जब उनको accredit करना होगा, जब वो accreditation उनको हासिल करना होगा, तो उनके जो नॉर्म्स होंगे वो उनको सेटिस्फाई करेंगे। इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करते हुए उनको एक्रेडिटेशन मिल जाएगा और इस तरीके से उनको रिकॉग्निशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि द रोल ऑफ एनसीटी विल चेंज फ्रॉम रेगुलेटरी टू नॉन रेगुलेटरी टू स्टैंडर्ड सेटिंग, करिकुलम फ्रेमवर्क सेटिंग, लेइंग ऑफ द करिकुलम फॉर डिफरेंट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। दिस इज अ मेजर चेंज और जाहिर है एनसीटी ने उसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए डिस्कशन शुरू कर दिया है एनसीटी ने, करिकुलम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटर्नशिप का, और इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसमें इंडक्शन का टीचर्स के लिए, उसके लिए मेंटरिंग की ज़रूरत है, उस पर एनसीटी ने काम शुरू कर दिया है और होपफुली बहुत जल्दी मॉनिटरिंग का फ्रेम, मेंटरिंग का फ्रेमवर्क भी और स्टैंडर्ड्स का भी एक पूरा फ्रेमवर्क भी एनसीटी तैयार करेगी। अभी उनको उनके एक्ट को रिपील तो नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने स्पेड वर्क शुरू कर दिया है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली द टीचर्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, टीचर्स प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैव बीन अंडर डिस्कशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन मेनी कंट्रीज फॉर क्वाइट सम टाइम। These professional standards, professional performance standards of teachers. I attended the conference of the UNESCO in 2008 in Japan, and Asian countries were invited to share their experiences of professional standards for teachers. I realized that many small countries in the world have already
decided about the professional standards for teachers in their countries. For example, somebody was representing Philippines. In Philippines, Philippines professional standards for teachers were already there in place, and they presented their professional standards for teachers. The body, the government of these Philippines had assigned this work of setting and implementing professional standards body to the Department of Education of their country. The aims of professional standards, say for example in that country, which will give us some idea as to what may be the aims of setting professional standards for teachers teaching at different levels may be. One, to set out clear expectations of teachers along well-defined career stages of professional development from the beginning to distinguished practice. Now, professional standards, उन्होंने तय किए हैं beginning teacher के लिए, वो हमारे यहाँ भी ऐसे ही होने जा रहा है, और उसके बाद middle of the course in the profession, then acquiring the status of a distinguished teacher, experienced teacher, senior teachers, professional standards तय किए गए हैं, जिसमें के हम एक अध्यापक से क्या आशा करते हैं एक टीचर से करियर के आरंभ में, करियर के कुछ दिन में काम करने के बाद, करियर में और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंचने के बाद. इट मींस दैट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स विल बी ग्रेडेड एंड दे विल बी अपग्रेडेड एज यू ग्रो इन द प्रोफेशन एंड विल बी टेस्टेड. योर परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएटेड, your performance will be assessed vis-a-vis these expectations, these standards, and accordingly perhaps you will be given confirmation, you will be given career advancement, you will be given development, progression in your profession. The second aim is to engage teachers to actively embrace a continuing effort in attaining proficiency. Now when we lay down standards, different levels, the teachers will try to engage themselves voluntarily in various activities to ensure that I am reaching to that standard of proficiency. So these standards will help in motivating teachers to improve themselves, to reach higher standard of teaching, higher standard of practice, higher standard of performance. Apply a uniform measure to assess teacher performance. When the standards are there, then the Department of Education, the school administration, the school management can apply uniform measures to assess performance of teachers, identify. So khali performance ko assess karna purpose nahi hai, ek to discrimination nahi hoga, uniform standard honge. Then also the management can identify the needs of gaps, kya kami hai isme, ek particular level ko performance nahi pahunch raha hai, competency nahi hai teachers ke paas, kis cheez ki kami hai, क्या करने की जरूरत है, एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट. सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमको उसकी नीड को मेजर करने के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत हेल्प करेंगे. तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का बहुत यूज है, बहुत फायदा है, और इसीलिए इन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर अटेंशन पे करना जरूरी है. द मेन पर्पस ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इज टू डायरेक्ट एंड मेंटेन क्वालिटी टीचिंग प्रैक्टिस. कंटिन्यूसली इन स्टैंडर्ड्स का काम यह है कि टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को एक दिशा देते रहना और उनकी क्वालिटी को उसकी मेंटेन करते रहना, उसको इम्प्रूव करते रहना. दीज स्टैंडर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर प्रोफेशन बिकॉज दे प्रमोट एंड गाइड अवर प्रोफेशनल प्रैक्टिस, दे गाइड प्रोफेशनल टीचिंग, दे हेल्प इन performing at given prescribed standards. They provide an evaluation tool for self-evaluation and external evaluation also. They provide a tool for evaluation even by our colleagues to ensure teaching proficiency. So if we want to improve ourselves also, we can look at these professional standards and gauge where do we stand at a particular point of time by self-evaluation or peer evaluation, evaluation by colleagues. Professional teaching standards are also used to provide a framework for developing teaching competency checklists. So we can have a checklist on the basis of these professional standards or a kind of proficiency
evaluation tool, and with the help of those tools or checklists, we can easily find out how proficient the teacher is, what is the competency level of this teacher is. And I said, as I said earlier, on the basis of gaps, we can ourselves go for a professional development program. The administration can organize, management can organize professional development program, etc., etc. A system of multiple parameters for proper assessment of performance will be developed. Okay, a system of multiple parameters for proper assessment of performance of teachers will be developed by every state, by union territory. It will be state level kind of thing that is based on peer reviews, attendance, commitment, hours of CPD, and other forms of service to the school and the community based on the national professional standards. Okay, so professional standards ko istemal karenge state governments, aur jab wo kisi teacher ka progression karenge, uska career development karenge, usko assess karenge uski performance ko, to usme ye professional standards bahut contribute karenge, role play karenge. उसमें और भी पैरामीटर्स होंगे जिससे कि करियर प्रोग्रेशन दिया जाएगा टीचर्स को, जैसे कि अटेंडेंस है, उसका कमिटमेंट देखा जाएगा, उनने कितना घंटे का कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक साल में किया है, और दूसरे स्कूल के क्या काम किए हैं, गवर्नेंस में कितना पार्टिसिपेशन किया है, कम्युनिटी वर्क कितना किया है, इन सबको मिलाकर करियर प्रोग्रेशन किया जाएगा, जिससे कि टोटल परफॉर्मेंस टीचर का पता लगाने की कोशिश की जाएगी. और इस तरह से हम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स को इस्तेमाल करेंगे, और उसके आधार पर हम क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे. ये बात भी समझने की है दैट एनसीटी विल बिकम अ काइंड ऑफ कंसल्टेटिव बॉडी. इट विल पार्टिसिपेट इन द कंसल्टेशन in the decisions to be taken by the General Education Council, being a member of that. Now, the NCT will lay down these performance standards in consultation with the academic bodies. Because NCT itself is not an academic body until now. It's a regulatory body. It's an administrative body, we can say. Therefore, it will lay down the professional standards for teachers in consultation with NCRT and with the SCRTs. It will also consult teachers' bodies also from across levels and regions, expert organizations, while preparing the professional standards for teachers. And after that only, it will arrive at professional standards. So it is a kind of a set of professional standards for teachers, which will be prepared by NCT in consultation and consensus with the practitioners and their representative academic bodies, so that tomorrow when we implement these professional standards, they are very well received and they are welcome and they are effectively implemented. They will enlist in these professional standards competencies required for each stage of teaching, as I said earlier also. Now, after having implemented these professional standards, these will be regularly, you can say, the performance of the teachers will be required to be regularly assessed with the help of these, on the basis of these performance standards. Now, how performance of the teachers will be effectively gauged, will be effectively assessed by using these professional standards is further to be clarified by the NCT, by other bodies, which is still not very clear, as the professional standards are not clear, very clear. Still, the work has just started on that. We do not know how these will be implemented in the country. As it is being said that the state governments will be responsible, higher education institutions will be responsible to implement these
professional standards for teachers. The managements of the institutions where these people will be appointed, will be working, also will make use of these professional standards and see how far these competencies as prescribed in the professional standards are being possessed by being practiced by the practitioners in teaching. I think I would like to stop over here. It is 5:55, 5 minutes are left. I was told that I'll be given 55 minutes, I think. That is almost over. Now I am leaving this part, 5 minutes, for questions from the audience. हाँ सर, एक क्वेश्चन आया हमारे चैट बॉक्स में कि टीचर एजुकेशन में टीचर एजुकेटर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें पीजी इन अदर सब्जेक्ट क्यों रखा जाता है, बीएड को पढ़ाने के लिए इसकी क्या जरूरत है? ये नितिन त्यागी जी का प्रश्न कमेंट बॉक्स में आया है, क्या बीएड को पढ़ा? हेलो सर, आपका माइक अभी म्यूटेड है, आपकी आवाज से मुझे नहीं। हाँ, मुझे अपना सवाल रिपीट कर दीजिए। जी, एक हमारे दर्शक ने हमारे पूछा है कि बीएड कॉलेज में टीचर एजुकेटर बनने के लिए एमएड के साथ साथ पीजी इन स्कूल सब्जेक्ट क्यों रखा जाता है, जबकि पीजी इन स्कूल सब्जेक्ट का पैडागॉजी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो उसमें पढ़ाया कैसे जाए ये सीखते हैं, तो क्या सिंपली यूजी होकर के काम नहीं चल सकता है? ये पीजी स्कूल सब्जेक्ट में क्यों रखा जाता है? देखिए, पीजी स्कूल सब्जेक्ट में हमको ज्ञान देता है अपने सब्जेक्ट मैटर का, हम मास्टर बन जाते हैं उस सब्जेक्ट मैटर के ज्ञान में, लेकिन उस सब्जेक्ट मैटर को हम अपने छात्रों को कैसे डिलीवर करें, कैसे प्रभावशाली रूप से हम उसको कम्युनिकेट करें, कैसे उनकी लर्निंग में हम फैसिलिटेट करें, सहायता करें, ये सारी कैसे हम समझें कि उनकी लर्निंग की अधिगम की आवश्यकताएं क्या हैं, कैसे वो सीखते हैं, उनके लर्निंग के स्टाइल क्या हैं, इन सब बातों का ज्ञान हमको टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के द्वारा ही हासिल होगा, इसलिए हम अपनी बात को ज़्यादा प्रभावशाली रूप से, अब आजकल ये कहा जा रहा है कि हमको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंक्लूसिव बनानी पड़ेगी, सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी, सारे छात्रों के लिए क्वालिटी फॉर ऑल, तो हर छात्र को हम प्रभावशाली रूप से अपनी बात को कैसे समझा पाएंगे, इसको समझाने के लिए हमको बहुत सी छात्रों के बारे में बातें, बहुत सी टेक्निक्स के बारे में, बहुत से अप्रोचेस के बारे में, छात्रों की बैकग्राउंड के बारे में सब समझने के लिए टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम हासिल करना की ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, उससे हमको अपने विषय को ज़्यादा प्रभावशाली रूप से पढ़ाने में सुविधा होगी। जी सर, धन्यवाद, समय की मर्यादा है, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब जो लोग बाद में जुड़े हैं इस कार्यक्रम से उनको जब वो वीडियो देखेंगे, ये हमारे वीडियो रिकॉर्ड होकर के हमारे टाइमलाइन पे रहते हैं तो उनको जवाब स्वतः मिल जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में जनरली हमारे कार्यक्रम में 1000 से अधिक लोग लाइव जुड़ते हैं और पिछले सप्ताह में जो हमारा कार्यक्रम में जो व्याख्यान हुए थे उनको अभी तक हमारे ग्रुप से लगभग 8000 लोगों ने देखा है जिसमें हमारे विद्यार्थी हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक हैं, भविष्य की दृष्टि से आपको मोटिवेट करने के लिए, चीज़ों का सही पर्सपेक्टिव बनाने के लिए हम आयोजित कर रहे हैं। मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में हमारे साथ देश भर से विद्यार्थी टीचर्स टीचर एजुकेटर्स जुड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते भी हैं कि हम पठानकोट पंजाब से, डिब्रूगढ़ असम से एक लोगों ने लिखा है, बिहार पूर्णिया से भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से विद्यार्थी जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, तो हमें खुशी है आप हमें लिखते हैं और हम अपने एक्सपर्ट से निवेदन करते हैं और वो एक व्यस्त शेड्यूल है हमारे एक्सपर्ट्स का, उसमें से समय निकालते हैं कि पूरी
टीचर एजुकेटर्स फोरम से जुड़े हुए कम्युनिटी है स्टूडेंट्स की, उसको गाइड करते हैं। मैं बहुत अधिक विलंब करते हुए अपने इस कार्यक्रम में जो हमारे सत्र की सह संयोजक हैं डॉक्टर प्रेरणा मनध्यान जी को इनवाइट करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर प्रेरणा मनध्यान जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एज ऑल ऑफ गुड थिंग्स कम टू एन एंड इन लाइफ, सो इज द टीच, सो इज द लेक्चर। ऑन द बिहाफ ऑफ टीचर एजुकेटर कम्युनिटी, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। So at outset, I thank our resource person, Professor Siddiqui sir. We are really enlightened with your knowledge and presence. You have discussed about the background of NCTE, history, purpose, and functions of NCTE. You have talked about the Justice Warma Committee report, why it is adopted in national education policy. You have talked about the four sub-institutions or the councils under the National Higher Education Council, like NHERC, NAC, HEGC, General Education Council. After that, you discussed what is the role of NCTE is now changing after the implementation of NPE, like what would be the role of NCTE, like to draw curriculum, to lay down standard programs, to coordinate between teaching, research, and extension work. Besides this, at the end, you have discussed about the professional standards, which nowadays are very necessary. You have discussed about the multiple parameters will be developed for the teacher to assess their performance for career progression, and not only the professional standards, besides their presence, their teaching styles, all will be discussed. So we are very thankful that you have taken, you have given us your valuable time. A special thanks to the organizing committee for the conflicting support and coordination. A heartfelt thanks to the SOMU sir, and a heartfelt thanks to our participation. With this, we move to the end of lecture. Thank you. Thank you very much. Thank you. आप सभी का सर बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सर समय निकाला। अंत में हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, हमारे चैट बॉक्स में एक फीडबैक फॉर्म है। फीडबैक फॉर्म, आपने इस सेशन से क्या सीखा, आपको क्या समझ में आया, कौन कौन से प्रश्न आपके अनुत्तरित रह गए। हमारे समय की मर्यादा होती है, विषय बहुत बड़ा होता है। हम कोशिश करेंगे कि हम फिर से अपने विद्वान महोदय से संपर्क करें और उनसे पुनः समय में, सबकी व्यस्तता है, हमें जरूर लिखें। हमारा ईमेल आईडी भी है और आप अपने टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी टीचर एजुकेटर्स हैं, उनको हमारे फोरम से जोड़ें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों की बात सुन पाएं, उनकी समस्याओं पर कुछ उनकी सहायता के लिए कार्यक्रम लेकर आएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी एक और देश के बड़े विद्वान के साथ, जो हमें किसी भी शिक्षक शिक्षा के या शिक्षा के विषय की बारीकियां समझा सके, साथ ही साथ दिशा दिखा सके कि भविष्य में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में क्या होने वाला है। निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी, जो कि केवल एक सामान्य विद्यार्थी ही नहीं है, आपके हाथ में टीचर एजुकेशन की बागडोर होगी। आगे आने वाले समय में आप हमसे जुड़े रहें और विषयों को समझते रहें। आपको भविष्य में बहुत बड़ा योगदान देना है, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।